कल भारत बंद है और उससे पहले आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने पंजाब से एमपीज हैं वो जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए। उनके अलावा अन्य पार्टियों के भी जो नेता हैं वो डिमांड कर रहे हैं विपक्ष की कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और उसके बाद जो है उनको इस किसान बिलों पर जो आंदोलन हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। इस समय आप देख सकते हैं कांग्रेस के एमपी अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला जी। सर आप कहाँ जा रहे हैं पैदल चलते चलते? जी मैं तो जंतर मंतर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ आज धरना है सरकार के अगेंस्ट, के सरकार का ध्यान दे सरकार इसकी तरफ कि जो पार्लियामेंट सेशन है वो बुलाए क्योंकि किसान जो है वो सड़कों के ऊपर इतना लंबे समय से, जब से पिछला सेशन पास किया है बिल उससे पहले से ही आ रहा है किसान रोड के ऊपर, तो किसान का ये सरकार है बार बार मीटिंग करके मीटिंग आगे करी जा रही है तो वो जवाब दे आकर पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जवाब दे, होम मिनिस्टर जवाब दे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। आप मीनाबाग से जो है जंतर मंतर तक पैदल जा रहे हैं, अन्य भी आपके एमपी पंजाब के आ रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पर आप लोग कितनी देर तक प्रदर्शन करने वाले हैं? हम लगातार प्रदर्शन करेंगे और एक मूवमेंट बनाएंगे कि सरकार को जो बैरी हो चुकी है, जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही कि ये क्या हो रहा है देश में, ये किसान इतना जो अंध आता है वो रोड पे आ गया है और लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और ये उनको अलग अलग नाम से नाम देकर उनको बदनाम कर रही है और उनसे बात नहीं कर रही, बात करती भी है तो 7-7 घंटे मीटिंग चलती है, बात वहीं की वहीं होती, किसान को एक बार कहना पड़ा यस और नो कि आप ये बातें मत करो हमसे। अच्छा औजला साहब एक और चीज जो निकल कर आ रही है वो ये है कि कहा जा रहा है कि आंदोलन के अंदर किसानों के अलावा अन्य जो एंटी सोशल एलिमेंट्स और एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो एंटर कर गए हैं। लंदन में भी जो है प्रदर्शन हुआ, वहां पर भी कुछ ऐसे लोग देखे गए जो कि खालिस्तान मूवमेंट से एसोसिएटेड, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए वो जो हैं वो एंटी हैं, वो तो हमेशा ही काम ऐसा करते हैं, वो इक्का दुक्का को आप छोड़ो ना, आप ये देश के अंदर जो 5 लाख आदमी बैठा है आप 2 आदमी को देख रहे हो, 4 आदमी को देख रहे हो, ये 5 लाख आदमी बैठा है उसको क्यों नहीं देख रहे? वो पद्मश्री बड़े बड़े अवार्ड जो आपने दे रखे हैं, सम्मान है जिन हमारे प्लेयर्स का और जो समाज के अच्छे अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब वापस आपको कर रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा? अब गलत चीज देख रहे हो, आप सही चीज देखो ना, ये चीज सही देखते होते तो आज ये धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अंधाता आज रोड पे नहीं आता, ये इनकी सोच गलत है। ये जा रहा है पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ तो क्योंकि कांग्रेस जो है उसके पीछे है सर। बस देखिए यही इनकी दिक्कत है, जो इतनी जथेबंदियों से बात कर रहे हैं वहां कांग्रेस कर रही है बात इनसे, लगातार जथेबंदियों से ये बात कर रहे हैं, जितने जो उनके सवाल के जवाब तो इनके बात है नहीं, जो इनके एक्सपर्ट हैं वो तो सब फेल हो चुके हैं, किन्होंने कानून बनाया है एक सिर्फ अपने 4 दोस्तों के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, आप सारे किसान का सौदा कर रहे हो और आप अभी वहां जो प्रदर्शन हो रहे हैं कोई पॉलिटिकल आदमी वहां नहीं जा रहा, उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा है, हर आदमी का विरोध करते हैं जो पॉलिटिकल आदमी, चाहे वो किसी मिलने जाए चाहे सेवा करने भी जाए वो नहीं मानते, तो अभी इनको ये बात नहीं दिख रही, इनको लंदन वाले तो वो दिख गए वहां अलगाववादी हैं खालिस्तानी हैं, ये नहीं इनको दिखा कि ये धरना प्रदर्शन किसका है, ये इनसे पंजाब इसलिए सबसे आगे रहता है कि पंजाब का जो किसान है वो मॉडर्न है दूसरे देश की बजाय, उसने सबसे पहले पुरानी पुश्तैनी खेती पंजाब में चली है, अब दूसरे स्टेट भी आ रहे हैं, गुजरात आ रहा है, यूपी आ रहा है, अपना राजस्थान है, हरियाणा है, और वो सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोग हैं ये अपने आप पंजाब के साथ खड़े हो रहे हैं, और बड़ी बात जो बिहार की APMC एक्ट जो इन्होंने कैंसिल किया था, वहाँ जो एक्ट लेके आए थे APMC जो मंडियाँ बंद की है, वो रो रहा है किसान, अब बोला है मेरी 2006 से अभी तक फसल नहीं किसी ने उठाई, सरकार भी नहीं उठा रही, कोई भी नहीं उठा रहा। अच्छा कल जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसमें आप कांग्रेस पार्टी ने भी सपोर्ट किया है, तो कांग्रेस पार्टी जब किसान की बनाई हुई है, किसान वोट देता तो कांग्रेस पार्टी सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस पार्टी हर उसकी सपोर्ट करेगी जो लोग गलत तरीके से सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जो लोग उसकी सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी उसकी मदद करेगी। तो मतलब कल भारत बंद में आप लोग भी पूरे देश भर में जो है प्रोटेस्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो ये थे गुरजीत सिंह औजला जो कि यहाँ से जंतर मंतर तक जा रहे हैं पैदल चलकर, ये MP हैं और यहाँ से जो है मीनाबाग से जो है सीधे जा रहे हैं, यहाँ देखिए पुलिस वाले भी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से पैदल जो है वो अपना रोष व्यक्त करते हुए आगे जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।